आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली से सिंगापुर पहुंच गए हैं। बता दें कि उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार के साथ साथ दो सेवेदार भी हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव काफी समय से किडनी संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके लिए काफी समय तक उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी, जिसके बाद पिछले ही महीने वो सिंगापुर गए थे और डॉक्टर्स ने जांच के बाद उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति दी थी। वहीं जानकारी के मुताबिक दिसंबर महीने में लालू प्रसाद यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाना है, जबकि इस दौरान बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव सिंगापुर जाने की उनकी भी संभावना है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य आरजेडी सुप्रीमो यानी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करेंगी। वो ट्रांसप्लांट होना, पिछली बार सिंगापुर गए थे तो वहाँ के डॉक्टर ने सारे टेस्ट करके जो उनका सुझाव था कि ट्रांसप्लांट जो है बेटर ऑप्शन है, तो इस पर जो है सभी लोगों ने सहमति जताई है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो ऑपरेशन, जो सर्जरी ट्रांसप्लांट होने जा रहा है वो एक सक्सेसफुल होगा और बहुत लोगों की दुआएं लालू जी के साथ हैं, तो जल्द ही स्वस्थ होकर के वो सिंगापुर से लौटे।